वेरियस लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर, प्लीज कि डिस्कस करो वेरियस लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर का पहला लॉस है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस का मतलब है कि जो आपका जो कॉपर की वायर है उसमें करंट जाएगा, उस करंट से वायर गर्म हो जाएगी, हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा, उसे कॉपर लॉस बोलते हैं। तो यानी कि हीट लॉस इन द फॉर्म ऑफ कॉपर वायर। नेक्स्ट है आयरन लॉस। आयरन लॉस में क्या होता है कि क्योंकि जब ऑल्टरनेटिंग करंट्स आते हैं तो लोहे का बना हुआ ट्रांसफॉर्मर है, उस लोहे के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाता है चेंजिंग करंट की वजह से, उसमें एडी करंट जनरेट हो जाते हैं, एडी करंट से लॉसेज हो जाते हैं हीट का, जिसको आप क्या बोलते हैं, कौन सा लॉस हो गया, आयरन लॉस, लोहे के अंदर लॉस हो गया बिकॉज ऑफ एडी करंट्स। तीसरा है लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। होता क्या है, प्राइमरी से प्राइमरी में फ्लक्स चेंज हुआ, सेकेंडरी का भी फ्लक्स चेंज कर दिया उसने। हमने थ्योरी में ये इमेजिन किया था या एज्यूम किया था कि जितना फ्लक्स प्राइमरी का उतना ही सेकेंडरी का चेंज होता है, बात बराबर है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं, बीच में लोहा भी आता है, कुछ फ्लक्स वो भी यूज़ हो जाता है, वो भी यूज़ करता है, जिसमें एडी करंट उसमें भी जनरेट होते हैं। तो इसका इसको बोलते हैं लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कि पूरी तरह फ्लक्स लिंक हो नहीं पाता, जिस वजह से पूरी तरह करंट इसमें जनरेट नहीं हो पाता। नेक्स्ट है हिस्टैरिसिस लॉस। याद है जब ऑल्टरनेटिंग करंट आता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहता है हर वक्त, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो अंदर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कभी राइट कभी लेफ्ट, हिस्टैरिसिस की लॉस की वजह से भी लोहा गर्म हो जाता है, इसे बोलते हैं हिस्टैरिसिस लॉस। नेक्स्ट लॉस है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन या हमिंग नॉइस। ट्रांसफॉर्मर के पास जाके खड़े हो जाओ, हमिंग नॉइस आती रहती है, ये वाइब्रेशन की वजह से, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, और ये जो साउंड लॉस है उसको हमिंग लॉस बोलते हैं, हमिंग नॉइस है। तो ये लॉसेस को आप डिस्कस कर सकते हो अगर पूछा जाए। यूजेज हैं इसके, ये टीवी रेफ्रिजरेटर पंखे चलाने के काम आते हैं ऑल्टरनेटिंग। और सबसे बड़ी बात, जब आपको बिजली को करंट को या वोल्टेज को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करवाना है, लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब डैम से लेके, डैम पे बिजली पैदा होती है लेकिन कई किलोमीटर तक ट्रेवल करती जाती है बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि जब कई किलोमीटर तक ट्रेवल करेगी वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप करके उसके वोल्टेज को अप कर देता है, फिर आगे ट्रांसमिशन होता है, फिर लॉस हो जाता है, फिर अप हो जाता है, एंड सो ऑन। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो इस केस में जब जो ये जो डीसी करंट को आप ऐसे बहुत दूर तक कैरी नहीं कर सकते, ऑल्टरनेटिंग करंट को आप कैरी करके लेके जा सकते हो। नेक्स्ट है नीड ऑफ लैमिनेटेड कोर। ये हमने पढ़ा था कि जो लोहा है ट्रांसफार्मर का उसको पीसीज में काटते हैं, शीट्स में काटते हैं, ताकि एडी करंट्स को मिनिमाइज किया जा सके, और उन सभी शीट्स को लैमिनेट करते हैं ताकि छोटे छोटे एडी करंट आपस में मिल ना जाए और बड़ा करंट ना पैदा कर लें और उससे बहुत हीट जनरेटेड ना हो जाए। तो लैमिनेटेड कोर्स का यही फायदा है कि एडी करंट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं छोटे छोटे एरियाज में, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो अब हम ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल्स के ऊपर चलते हैं।